नमस्कार बच्चों, मैं जितेंद्र सिंह। जैसा कि हमने कल भी बात करी थी और हर रोज़ हम एक नई वीडियो लेके आने की बात करते हैं, आज के लिए कल कुछ बच्चों का कमेंट्स आया था कि सर हमें रंगोली बनाने के लिए बताइए। एक गुड़िया है हमारी छठी क्लास से, उसने मेरे पास रंगोली भी भेजी थी, और किरण है गुड़िया आठवीं क्लास से, उसने भी बोला था कि सर मुझे रंगोली के बारे में बताइए। आज हम आपको रंगोली बनाने के बारे में बताएंगे। इसके बाद आज रंगोली बनेगी कल, परंतु आज आपको ड्राइंग रंगोली की और रंगोली के लिए कलर क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, हम कैसे उनको कलर करेंगे, ये सब बातें आज हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो के साथ बने रहिए अंत तक, और आपको अगर अभी तक भी किसी ने चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट नहीं किया है तो प्लीज़ करें। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि हमने रंगोली के लिए पेंसिल से पहले डिज़ाइन बना लिया है। देखिए ध्यान से, जिस बच्चे को नहीं नज़र आ रहा है और आ भी रहा है वो सभी कमेंट करके बताएंगे कि हाँ हमें पेंसिल दिखाई दी है कि नहीं दी है। ये तो आपका डिज़ाइन है, ये देखिए, ये हम मटेरियल यूज़ करेंगे। आज आपको बलिंदर सिंह जी दिखाई दे रहे होंगे, ये हमारी सहायता कर रहे हैं। राम जुआरी जी का फ़ोन है ये, जिससे हम वीडियो बना रहे हैं। ये मटेरियल है, और अब आपको इसको कलर करना बताएंगे। ध्यान रखना ये चावल नहीं है, क्योंकि हम ईटेबल आइटम्स रंगोली में इस्तेमाल नहीं करते। चलिए अब इसको कलर करना बताते हैं कि कैसे कलर करेंगे। आप देख रहे होंगे ये है हमारा चिप्स, जिससे हम फर्श बनाते हैं। इसको हमने अच्छे से धोया, साफ़ किया, अब इसको सुखा लिया। अब इसको हम कलर करेंगे। जैसे हम देख रहे हैं कि हमने येलो कलर मिक्स करके रखा हुआ है, अब हम इसके अंदर सारा येलो कलर डाल देंगे। येलो कलर डालने के बाद अब इसको हाथ से मिक्स करेंगे, ताकि आपका हर एक दाने के ऊपर कलर लग जाए। देखिए कलर आना स्टार्ट हो गया है। अगर आपको लगे कि कलर लाइट है तो और कलर इसके अंदर मिक्स करेंगे, और लगे कि कलर डार्क है तो थोड़ा सा वाइट चिप्स इसके अंदर अपन यूज़ कर लेंगे। थोड़ा सूखा रहना चाहिए, ताकि जब आप कलर करें तो इजीली हर एक दाने के ऊपर कलर लगा हुआ हो प्रॉपर। थोड़ा सफ़ेददार कलर तो आ ही गया है बिल्कुल। हाँ सफ़ेददार थोड़ा डालिए, गुड। 1 2 3 अभी हम येलो कलर कर चुके हैं। अब ये लिया तो रेड कलर था, बट शाइनिंग कम होने की वजह से ये थोड़ा सा आपका पिंक शेड में आ रहा है। वीडियो में कैसा आ रहा होगा मैं नहीं बता सकता, लेकिन अब इस कलर की बारी, और इसके बाद हम ब्लू कलर करेंगे। रोक दो, चलो जी। अब हम ये अपना लास्ट कलर आज का ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि हमने रंगोली के लिए ब्लू येलो रेड कलर, जो एक्चुअल में रेड नहीं निकला, सिर्फ ये प्राइमरी कलर का यूज़ किया है। आज की वीडियो के लिए हम केवल रंगों को डाई करना ही बताएंगे आपको, और वीडियो में बने रहिएगा, ताकि हम कल जब रंगोली बनाएं तो उसकी अपडेट भी आपके तक पहुंचे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हमने अपने कलर्स को डाई कर लिया है चिप्स को। अगर हमें किसी कलर के अंदर और ज़्यादा डार्कनेस चाहिए तो और ज़्यादा कलर मिला सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई कलर हमें लाइट शेड में चाहिएगा तो उसके अंदर वाइट मिला के उसको लाइट कर सकते हैं। आज आपको ये चार कलर इसके अंदर दिख रहे हैं, जो वाइट है वो उसका नेचुरल रंग है, ये हमने अपनी रंगोली के लिए बनाई। ठीक है,
अगली वीडियो के लिए आप तैयार रहें और जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम कल इस रंगोली को स्टार्ट करेंगे ताकि आज रात में ये कलर सूख जाएंगे, कल हम इसका इस्तेमाल कर सकेंगे। अभी तक भी जो बच्चे ने अपना चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर ले और अगली आने वाली वीडियो के लिए तैयार रहें। धन्यवाद।